नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में सब भाई लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं चंदू मिस्त्री मेरे राज YouTube चैनल में सब भाई लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए एक मोटर जो अपनी किट है, उसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, उसकी खुलाई और फिटिंग। तो दोस्तों, मैंने फिटिंग का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मोटर है और इसके कंप्लीट मेरे पास पार्ट्स है। तो मोटर की फिटिंग कैसे होती है, तो दोस्तों इसके बारे में ही इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटर को फिटिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे पास में सबसे पहले 10 mm के सफेद शीट के पेपर। तो दोस्तों, वो आपको पेपर इस तरीके से इसमें लगा देने में, आपको कैमरे में दिखा देता हूँ इस तरीके से। दोस्तों, ये पेपर है, इसमें लग जाते हैं। तो ये पेपर इसमें लग गए हैं, आपको कैमरे में नजर आ गया होगा। फिर दोस्तों, इस पर एक टेप मार देते हैं। ये टेप लगा दिया है। फिर दोस्तों, इस तरीके इस साइड में ही आपको ये पेपर लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा साइड से बड़ा है। तो इसको काट लेते हैं, इस साइज का कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया कट के। दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों साइड मैंने पेपर लगा दिए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए दोस्तों, पीछे का हाउसिंग है वो लेना है अपन को। तो दोस्तों, ये पीछे का हाउसिंग है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको केबल निकाल देना है इसमें। दोस्तों, इसको किस तरीके से इसको लगा देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा हल्का सा ग्रीस लगाना है, और दोस्तों अपने पास में बेस्केट पॉलीथीन पड़ी है तो वो इसमें लगा देना आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ से साफ कर लेना है, इसके अंदर से वो कचरा या कुछ ना रहे, फिटिंग के दौरान इसमें कुछ समस्या ना हो फिटिंग होने में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें यहाँ से अपन ग्रीस लगा लेना। मेरे पास में दोस्तों ये ग्रीस है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये कनोलों पर इस पर यहाँ से आपको ग्रीस लगा देना है, फिटिंग में आसानी होगी आपकी, और पानी भी इसमें नहीं निकलेगा ग्रीस लगाने से आपसे। दोस्तों, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से ग्रेस, सबसे बेस्ट है फिटिंग के दौरान। आप कोई सोल्यूशन लगाते हैं, सोल्यूशन से तो दोस्तों अच्छा है ग्रेस, बिल्कुल एक्यूरेट दोस्तों इसकी फिटिंग होती है ग्रेस से। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके नट है वो लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों, 250 के नट है इसमें, 13 का पाना लगता है इसमें। तो दोस्तों, ये लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों, इसमें आपको लगा देना है इसको। और दोस्तों, लगाते टाइम पर दोस्तों, इसी पॉलीथीन है वो इसमें आपको लगा देना है साथ में, वाइट टच ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से ये पॉलीथीन लगा देना, इससे क्या वाइट टच ना होता है दोस्तों, इससे ये अच्छी रहती है मोटर की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको फिटिंग करके बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको हाउसिंग को आपको लगा देना है। और इस पे दोस्तों, आपको नट कस देना है। तो दोस्तों, ये 13 नंबर पाना है इसमें लग जाएगा। तो दोस्तों, हल्का हैमर मार देना है इसमें और फिर इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों, सभी बोल्टों को आपको टाइट कस लेना है। आपको सबसे पहले 4 नट लगा देना है। तो दोस्तों, नट कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों, आपको लगाना है हाउसिंग, और दोस्तों हाउसिंग के साथ में आपको लगाना है रोटर। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें रोटर डलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको रोटर इसमें डाल देना है। तो दोस्तों, मैं रोटर डाल देता हूँ इसमें, और दोस्तों ये रोटर डाल के देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी है।
फिर दोस्तों इस पर हल्का हल्का ग्रीस लगा देते हैं। फिर दोस्तों इसमें पॉलीथीन लगाना है, तो दोस्तों ये मेरे पास है पॉलीथीन है, और दोस्तों इसको यहाँ से इसको फाड़ के दोस्तों ये इस तरीके से इसमें लगा देना है, वाइट टच ना हो। तो दोस्तों मैं इसको हाउसिंग को इस तरीके से इसको यहाँ लगा देता हूँ, और दोस्तों इसमें ये फिटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा हल्का हैमर मारे तो अच्छा है, या आप नट नट से भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसको इसकी चाकी है यानी नट है वो लगा देता हूँ आमने सामने। हैमर मार लिया इसमें, आप लोहे का भी यूज में लेना, पर लोहे के यूज में दोस्तों आपको ध्यान रखना इस कनोर पेने लग जाए, कनोर पे लग जाएगी तो आपका ये हाउसिंग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट हो गई है यहां तक की। तो दोस्तों इसमें लगाते हैं सबसे पहले चाबी और फिर लगाते हैं एम्पुलर दोस्तों। तो दोस्तों ये चाबी है इसकी, और दोस्तों इस पे लग जाएगी इसमें, फिर दोस्तों इसमें लगाते हैं एम्पुलर। तो दोस्तों ये ओके है अभी, और दोस्तों इसको लगाते हैं इसमें ये चकनट इसका वासर, और दोस्तों इसका नट है जो चार सूट का है ये इसमें यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास में पाना है, इस पाना से ये हो जाएगी टाइट। बिल्कुल दोस्तों इसको टाइट कर लेना, लूज करना है तो खुल जाएगा, और दोस्तों पले हले इसमें ओके है। और दोस्तों इस पे हाउसिंग पे लगा देना आपको ग्रेस वही इस तरीके से पहले लगे मैंने बताया था दो बार। फिर दोस्तों ये हाउसिंग है और ये हाउसिंग इसमें लगा देना है। फिर दोस्तों अपने पास में नट मिलेंगे, ये जो तीन सूट के नट है और इसमें हाउसिंग में चार नट है ये कट देना है आपको लगा देना है इसमें। तो दोस्तों मोटर भी कंप्लीट ओके टेस्टिंग ओके हो गई है। अब दोस्तों इसको लगाते हैं केबिन फुट का और फिर इसमें पानी डालते हैं, और दोस्तों फिर इसको चेक करते हैं खाली चला के सही चलता है या पॉइंट वगैरह चेक करते हैं इसका। दोस्तों अभी ओके है, नीचे स्टैंड है वो इसमें लगा देते हैं दोस्तों, एक स्टैंड है वो इसमें यहाँ से लग जाएगा। तो दोस्तों स्टैंड के मेरे पास में दो नट पड़े हैं पहले से ही, और दोस्तों स्टैंड में यहाँ देखता हूँ यहाँ इधर पड़ा है, तो दोस्तों ये स्टैंड है मैं यहाँ लगा देता हूँ उसमें। हमने हल्का सा इसको कट कर लिया है, कट करने के बाद दोस्तों जो केबल है हमने 4 मीटर इसमें केबल डाली है, 3 mm की इसकी बीम आएगी। तो दोस्तों ये केबल है इसमें लगा देना है। और दोस्तों इस पर लगा देना है दो अपना स्क्रू। अभी स्क्रू मेरे पास में दोस्तों ऊपर टेस्टिंग करेंगे जब इसको स्क्रू लगाएंगे, अभी स्क्रू है नहीं है मेरे पास में, और दोस्तों ये पानी वाला है। तो दोस्तों ये मोटर ओके हो गई है कंप्लीट वायरिंग करके, अब दोस्तों इसको टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों कितना एम्पे लगी खाली, लगभग 8-10 एम्पे पर दोस्तों खाली चलेगी, सिंगल पेज की मोटर तो इतना एम्पे तो दोस्तों लेगी लेगी। तो दोस्तों मैं इसको टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के लिए मेरे को दोस्तों ऊपर दुकान है मेरी शॉप है वहाँ इसको ले जाएंगे, तो वहाँ टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ इसको ऊपर वाली शॉप पे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले दो स्क्रू बाकी थे वो मैंने लगा दिया इसमें। अब दोस्तों स्क्रू लगाने के बाद में आपको इसमें डालना है पानी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसमें पानी डालता हूँ, मेरा जो पानी की टंकी है उसे वाल चालू कर दिया है और ये पानी आने लग गया, तो इसे पानी डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मोटर में पानी इस तरीके से डल रहा है आप देख सकते हो, मैं पूरा पानी डाल के इसमें आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट पानी फुल हो गया है इसमें, और ये पूरी मोटर कंप्लीट भरी गई है।
तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट ओके हो गई है, टेस्टिंग कर ली है हमने दोस्तों। अब कल इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो इसका फोर टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए दोस्तों।